तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं स्टैक। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक माइक बना सकते हैं, एक कॉलर माइक, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा किसी किसी यूट्यूबर से। वैसे काफ़ी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं अपने घर पे काफ़ी इजीली। और इसमें जो है आपका ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 20 रुपये आपको खर्च करने होंगे, वो भी आपको केबल केबल के लिए इस्तेमाल करने होंगे। जितनी आपकी लेंथ होगी उतने ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपको हेडफोन, और हेडफोन नहीं होगी तो फिर आप इस तरीके का कंडेंसर माइक खरीद सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कंडेंसर माइक कहते हैं इसको, और ये आपको हेडफोन में काफ़ी इजीली मिल जाता है आपको। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक केबल। ये जो मैंने केबल ले रखी है, ये इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल केबल, और इसका जो प्राइस है वो 6 रुपये मीटर है, और उसके हिसाब से ये 2 मीटर, और ये मैंने 2 मीटर ले रखी है तो 12 रुपये इसके प्राइस हो गया। और ये जो हेडफोन का जो कंडेंसर माइक है ये मुझे फ्री में मिल गया है, क्योंकि मेरे घर पे हेडफोन खराब पड़ी हुई थी। तो उसी के साथ में आपको यहाँ पे एक स्पंज चाहिए, ये आपको फ्री में भी मिल सकती है, या कहीं पे भी आपको मिल जाएगी स्पंज, और आप इसको भी ले लें। इसके साथ में आपको चाहिए होगी एक प्लास्टिक पीवीसी का टुकड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये आधा 1 इंची पाइप वाला है, आप आधा इंची का भी ले सकते हैं। और आपको इस तरीके की एक पिन की ज़रूरत होगी जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसकी भी आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंडेंसर माइक ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें आप देख सकते हैं पोलैरिटीज में मेंशन की हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसी हिसाब से मैंने केबल ले लिया है, एक फ्लेक्सिबल केबल जिसका साइज़ है 40-76, और ये आप ले लें। और नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं ब्लू को नेगेटिव और रेड को पॉजिटिव बना रहा हूँ। और ये कंडेंसर माइक में मैं इसको ही कनेक्शंस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने माइक को इसमें लगा लिया है, इसमें सोल्डिंग कर ली है मैंने माइक की, और रेड वाली जो है वो पॉजिटिव है और ब्लू वाली जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद में आपको एक पेन की कैप ले लेनी है, ये यूज़ एंड थ्रो पेन की एक कैप है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उस कैप में जो है मैंने एक होल कर लिया है एक बड़ा सा, और केबल जो थी उसको मैंने इसमें से ऐसे निकाल दिया है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको अब आपको इसको फेविक्विक से यहाँ पे चिपका देना है जैसे मैं चिपका रहा हूँ, और उसके बाद में ताकि ये पूरी बाहर ना निकले इसीलिए इसके पीछे भी हम फेविक्विक लगा देंगे, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो इस जगह पे भी आपको फेविक्विक लगा देनी होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया, और इस तरीके से ये दिख रहा है। इसके बाद में आपको स्पंज लेनी है, फोम। अगर आपको इसको इसका मोटा टुकड़ा मिल जाता है तो फिर आपको आपका काम हो जाएगा, बाकी ये जो मुझे ज़्यादा मोटा नहीं मिला था इसीलिए मैं इसके 2 पीस कर लूँगा सबसे पहले। उसके बाद में एक के ऊपर एक रख के और इसको चिपका के उसके बाद में मैं एक माइक के फोम की टाइप से वो शेप दे दूँगा मैं इसको। तो इस तरीके से मैंने पाइप लगाया इसमें, और इसको ठोक के उसके बाद में कट के, और इस तरीके से स्पंज का वो बन जाएगा इसमें, और स्पंज की मैंने इसमें शेप दे के और पीछे से तार मैंने इसमें डाल दिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ लग रहा है। और दूसरा वाला जो पीस है हम उसको ऊपर से ढक देंगे। और इसके बाद में क्या करना है आपको, इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, और इसको पहले मैं चिपका दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेन काम आ जाता है, हेडफोन जैक वाला। इसके बाद में यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, पहले वाला जो है ये ग्राउंड है, और दूसरे वाला जो है ये पहले माइक है। तो मैं आपको एक फ़ोटो या फिर यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं।
और मैं यहाँ पे अभी केबल्स कनेक्ट कर दूंगा हेडफोन जैक के साथ में। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको रब कर लेना है हेडफोन की जो ऊपर कोटिंग लगी हुई होती है हेडफोन की वायर्स में, तो उसको सबसे पहले आपको रब कर लेना है। उसके बाद में आप सोल्डिंग करें या फिर उसको इस तरीके से जोड़ के और फिर पैकेट लगा के और अच्छे से टाइट कर दें, जिससे कि केबल अगर हल्का सा भी लूज ना हो। और इसके बाद में ये जो है हमारा बन के तैयार हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें कलर कर सकते हैं फोम में स्पंज में, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।